अगर आप लोग रोज़ मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता लग जाएगा, बिकॉज ये जो बैटरी है इस बैटरी का कलर है रेड, एंड जो मेरी ओल्ड वाली बैटरी थी इस बाइक की उसका कलर था ब्लैक। इंस्टा पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि अपना जो हेलमेट सेटअप है उस पर वीडियो बनाओ। अपनी जो स्टंट मशीन है उसका आप लोगों को पता ही, शॉकर वगैरह लीक हो गया था। सो गाइस, अपनी बाइक में जो बैटरी डली न्यू वो मेरे को फ्री डली है, कोई मुझे उसके मतलब चार्जेस पे नहीं करने पड़े, बिकॉज अभी वारंटी में थी बाइक एंड बैटरी की भी वारंटी की। बंदे यार ऐसे पूछने आ जाते हैं, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है बाइक में, बिकॉज उनको पता नहीं इसका थ्रोटल बॉडी का इशू था। एंड फर्स्ट मैंने ली हुई थी ये वाली बाइक कांगड़ा से इस कलर में। सो गाइस, जब इसके टायर चलते हैं तो उसकी जो हेडलाइट है वो भी स्टार्ट हो जाती है, वो चेक करो। सेकेंड बार का एक्सपीरियंस भी भाई मेरा काफ़ी अच्छा था, एंड थर्ड टाइम अभी जाके आया हूँ, बैटरी वगैरह चेंज कर दी उन्होंने। बस ये कि धूल वगैरह लग जाती है तो मतलब फेड आउट हो जाती है ये वाली टेप, बट काफ़ी अच्छी मोटिवेशन हुई है ये वाली भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चेक करो अपनी 390, एंड अभी यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज की जो वीडियो है भाई काफ़ी दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, एंड क्या सीन चला हुआ है बाइक का भी और आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ मैं। जो इसकी बैटरी है वो मैंने न्यू डलवा दी है एजेंसी जाके, एंड ओरिजिनल बैटरी डल चुकी है इसमें एग्जाइट की। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ सारा कुछ क्या सीन हुआ था, बिकॉज यार मैंने वीडियो तो शूट करी हुई थी बट मेरा जो मतलब GoPro Hero 9 है ना भाई इतना ज़्यादा लैक मारता है। GoPro Hero 9 हो गया और 10 हो गया, मेरे साथ पिछले कल यही सीन हुआ। जो मेन क्लिप थे जो इसकी बैटरी वगैरह डलवाई थी मैंने वो सारे यार ख़राब हो गए, बट चलो कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है। एंड पिछले कल यार थोड़ा मूड ऑफ हो गया बिकॉज यार इतना ज़्यादा शूट करा हुआ था मैंने, एंड इसकी न्यू बैटरी आप लोग को अभी बताता हूँ मैं। 1 वीक का टाइम दिया हुआ था उनके, मुझे पहले कॉल आई थी कि आपकी बैटरी आ चुकी है बाइक की, तो मैं पिछले गल गया हुआ था एंड बैटरी वगैरह डलवा दी फुल पावर। तो आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप लोग रोज़ मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता लग जाएगा, बिकॉज ये जो बैटरी है इस बैटरी का कलर है रेड, एंड जो मेरी ओल्ड वाली बैटरी थी इस बाइक की उसका कलर था ब्लैक। सो डिफरेंस देख ही लो, न्यू बैटरी इसमें डल चुकी है एग्जाइट की, ओरिजिनल बैटरी है। पिछले गल गया था यार, शूट तो काफ़ी किया था बट मतलब ख़राब हो गया सारा ही, बट चलो कोई बात नहीं अभी फिर से शूट कर रहा हूँ एंड देखते हैं कैसी रहने वाला है। तो गाइस देन उसके बाद मैंने YouTube में भी देखा कि मतलब ये जो लैग करता है मेरा GoPro इस दिक्कत को मतलब कैसे सॉल्व किया जाए, इस दिक्कत का कोई सलूशन नहीं है। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी, तो अदर कंट्रीज़ की वीडियोज़ देखी तो वो बता रहे थे कि ये लैग मारता ही है अपना जो GoPro है। पिछले कल रात को मैंने फैक्ट्री रीसेट कर दी हुआ है फुल, तो मतलब सारा कुछ उड़ा दिया मैंने इसका। तो अभी आप लोगों को मैंने बैटरी बता दी है, तो अगर यार ये वाली वीडियो पिछले कल ही आ गई होती चैनल पे शाम को तो आप लोगों ने इस टाइम को देख भी ली होनी थी, बट चलो कोई बात नहीं यार पिछले कल रात हो गई थी तो फिर अगेन मैं शूट कर नहीं पाया था। और एक मेन बात आप लोगों को बता दूँ, इंस्टा पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि अपना जो हेलमेट सेटअप है उस पर वीडियो बनाओ, तो भाई आप लोगों को भी कमेंट करना कि आप लोगों को हेलमेट सेटअप पर वीडियो चाहिए, तो मैं वैसे तो मैं बना ही दूंगा बट कोशिश करूंगा कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपने हेलमेट सेटअप पे बना सकूं। तो देखते हैं अभी कैसी रहता है, आप लोग कमेंट करना फुल पावर। इंस्टा पे तो काफ़ी ज़्यादा बंदे पूछते रहते हैं, ऐसे नॉर्मली मैं बता भी देता हूं बट यार हर एक बंदे का फिर रिप्लाई नहीं होता ना, तो फिर उससे अच्छा है कि एक वीडियो बना के बता दूँ आप लोग को। बाकी अपनी स्टंट मशीन का काम भी हो चुका है फुल पावर, अपनी जो स्टंट मशीन है उसका आप लोगों को पता ही, शॉकर वगैरह लीक हो गया था एंड जो इसकी मेन हेडलाइट थी वो नहीं चलती थी, तो फुल पावर अभी स्टंट मशीन का काम हो चुका है। सो गाइस चेक करो, इस वाले टायर पे यार बाइक का टायर रुकता भी नहीं है, ऊपर से मैं बाइक को सुपर मोटो में रखता हूँ फुल्ली टायर स्लिप हो जाते हैं यार। तो आज हम जाएंगे ऊपर एंड देखो यार यहाँ पे कितनी प्यारी धूप लगी हुई है।
अब अपनी बाइक जो है वो फुली सेट हो चुकी है। सो गाइस अपनी बाइक में जो बैटरी डली न्यू वो मेरे को फ्री डली है, कोई मुझे उसके मतलब चार्जेस पे नहीं करने पड़े, बिकॉज अभी वारंटी में थी बाइक एंड बैटरी की भी वारंटी थी। टोटल बॉडी का भी काम हुआ था पहले तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था एंड बैटरी भी फ्री डल चुकी है। आप लोगों ने देख ली बैटरी तो मैंने आप लोगों को बता दी है। जब भी मैं कांगड़ा इसको लेके जाता हूँ बंदे यार ऐसे पूछने आ जाते हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं है बाइक में, बिकॉज उनको पता नहीं इसका थ्रोटल बॉडी का इशू था। एंड फर्स्ट मैंने ली हुई थी ये वाली बाइक कांगड़ा से इस कलर में। सो गाइस जब इसके टायर चलते हैं तो इसकी जो हेडलाइट है वो भी स्टार्ट हो जाती है, वो चेक करो। तो मेरे को तो डाउट था कि इसकी वजह से भाई अपनी जो बैटरी ख़राब हुई, मेरी जो स्टंट मशीन थी उसकी भी 6-7 महीने में बैटरी ख़राब हो गई थी, बट मैं एजेंसी लेके गया उन्होंने बोला कि बैटरी ख़राब है एंड आप लोगों को बाहर चेंज करवाने पड़ेगी, उन्होंने बोला कि बैटरी की वारंटी नहीं होती है। मैंने इस बार भी यही सोचा हुआ था कि बाइक की बैटरी ख़राब होगी तो वो KTM वाले पता नहीं चेंज करके देंगे या नहीं। सो गाइस सेकंड बार मैंने आप लोगों को बोला ही था एक वीडियो में कि सेकंड टाइम मैं एजेंसी जाके आया हूँ एंड उन्होंने बोला है कि इसकी बैटरी विद इन 1 वीक आ जाएगी। सेकंड बार का एक्सपीरियंस भी भाई मेरा काफ़ी अच्छा था एंड थर्ड टाइम अभी जाके आया हूँ, बैटरी वगैरह चेंज कर दी उन्होंने। बंदे यार इस बार खुद से पूछ रहे थे भाई बाइक में और कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत है तो बताओ। सो गाइस हमें ऐसे ही बंदे चाहिए, बिकॉज आप लोगों को पता है यार इतनी मतलब महंगी बाइक है तो हमने ले ली है, बट इनका अगर इधर काम ही नहीं होगा तो इन बाइक्स का क्या फ़ायदा। सो गाइस देखो यार मैक्लो मार्केट फुल पावर रश है। सो भाई चेक करो रश ही रश है यहाँ पे। तो फाइनली गाइज आ चुका हूँ यहाँ पे एंड आप लोगों को मैंने बैटरी का बताया दिया सीन कि बैटरी वगैरह अपनी बाइक की चेंज हो चुकी है, न्यू बैटरी इसमें डल चुकी है, तो बस यही बताना था आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने। तो ये छोटी सी मैंने वीडियो बना दी है, ये वाली वीडियो तो आज शाम तक आप लोगों को देखने की मिल जाएगी। बाकी अपनी बाइक ऑल सेट है, मॉडिफिकेशन तो करते रहता हूँ मैं, चेक करो जैसे कि ये क्यों हुआ था। सो मिट्टी वगैरह लग जाती है यार तो थोड़ा फेड आउट हो जाती है, तो सोचा था यार एक दो दिन में इसकी टेप जो है वो निकल जाएगी। ये वाली मॉडिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी, बस ये है कि धूल वगैरह लग जाती है तो मतलब फेड आउट हो जाती है ये वाली टेप, बट काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन हुई है ये वाली भी। तो अभी मॉडिफिकेशन की वीडियोस आने वाली हैं एंड होप करता हूँ यार भाई आपको कोई दिक्कत ना आए बाइक में। आज की वीडियो में ये सब भी था, तो गाइस इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं अब आप लोग को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फुल सपोर्ट।